कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव नवरात्र पे भी देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग रांची के रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के पास हैं, आप माँ का प्रतिमा अभी देख पा रहे थे, और इधर हम जो भीड़ की स्थिति है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमूमन आज का जो दिन है वो सप्तमी का दिन है, और आज पैर रखने की भी स्थिति जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाता था, लेकिन बहुत ही शांति है, लोग नहीं आ पा रहे हैं और वजह जो है कोरोना संक्रमण का प्रभाव है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आए हैं, हालांकि जो सरकार का जो गाइडलाइन है जो डीसी के द्वारा दिया गया है उसको भी लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से जो है दूरी बनाए रखने के लिए यहां पर घेराबंदी किया गया है गोलाकार तरीके से, बावजूद इसके कि कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव पूरे पूजा पर दिख रहा है रांची के सभी पंडालों में। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं मास्क वगैरह लगा करके यहाँ पर आए हैं ताकि माँ का जो है दर्शन कर सकें। इस दौरान जो पूजा समिति की ओर से जो वॉलेंटियर्स हैं वो लगातार, वैसे लोग जो ज़्यादा देर तक इस परिसर में ठहर रहे हैं उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा देर मत रुकिए, लोग आएँ और माँ का दर्शन करें और उसके बाद अपनी दूसरे और जो है बढ़ें। कुछ लोग हैं, आप ये बताइए मैम कि लोग काफ़ी कम आ रहे हैं। हाँ, वो कोरोना वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम ऐसा आया हुआ है कि इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा होता था कि घंटों लाइन लगा करके लोग खड़े रहते थे सिर्फ दर्शन करने के लिए माँ का। बिल्कुल पंडित जी, ये बताइए क्या स्थिति, लोग आ रहे हैं? आइए इधर आ जाइए थोड़ा। आदमी नहीं आ रहा होता। आइए ना इधर, आइए ना। नहीं आ रहा आदमी, सब कम आ रहा है। कम आदमी आ रहा है। माँ का प्रतिमा तो पंचमी से हुआ था, दो दिन पहले ही जो है पट खोल दिया गया था आम श्रद्धालुओं के लिए, जो भी माँ का दर्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। भैया आप बताइए, आप लोग पूजा समिति के लोग हैं, क्या फ़र्क दिख रहा है? भीड़ तो है ही, भीड़ तो कम है ही, इसके अलावा क्या फ़र्क? नहीं, हम लोग भीड़ लगाने की इच्छा से ये सब नहीं बनाया गया इस बार। इस बार हम लोग सबको आरती पूजा जैसे हो रहा है तो सबको को बोल रहे हैं कि आप घर में रहिए, घर से ही दर्शन करिए। आप वहाँ का हम लोग लाइव चलाते हैं, उसी के अनुसार जो गाइडलाइन मिला है सरकार का उसी के अनुसार हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और जो लोग एकाध दो लोग आ रहा है तो उसको रोक भी नहीं सकते हैं हम। अच्छा, हमको याद है कि लगातार जो है रांची रेलवे स्टेशन का जो दुर्गा पूजा समिति है वो हमेशा फर्स्ट प्राइज व्यवस्था को लेकर हो या फिर प्रतिमा को लेकर हो, हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से या फिर अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा मिलता था, हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती थी पूजा में। इस बार काफ़ी कम भीड़ है, ना के बराबर है, लोग ना के बराबर आ रहे हैं। आप लोग खास करके जो पूजा समिति के लोग हैं उनको कैसा लग रहा है? सब कुछ फीका हो चुका है इस बार, पब्लिक जो भी या निकलेगा भी घर में तो खाने पीने के लिए कोई स्टॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना झुलवा है, ना कोई मेला वाला है कोई तरह का, तो फिर इसमें फिर पब्लिक कैसे निकलेगा, कैसे आएगा कोई घर से निकल के? खाली मात्र खाली पूजा हो रहा है और पूजा में ही हम लोग पूर्ण रूप से पूरे समिति के लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं और पूजा माँ का जैसे बहुत अच्छा रूप से हम लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने घर में रहें और घर से ही दर्शन करें, अच्छा रहेगा। हम लोग किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर और दर्शन करिए। एक लाइव दर्शन का भी जो स्कोप है पूजा समितियों के द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है ताकि आप घर बैठे भी जो है, चूँकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो लोग घर बैठे भी लाइव के जरिए माँ का दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घेराबंदी है और जो श्रद्धालु हैं वो घेरा के उस पार से जो है माँ का दर्शन कर रहे हैं। लोग काफ़ी कम आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के वो सब लोग उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से मास्क वगैरह लगा करके जो है लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोग, आप बताइए, भीड़ एकदम नहीं है, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा है, माँ के दरबार में भीड़ नहीं है, लेकिन मजबूरी है कोरोना के लेके, सभी कोई अपना अपना सतर्क है, वो बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और नहीं इस
जिस तरह का अभी चल रहा है कोरोना संकट में, अपने आप को बचा के ही चलना है। बिल्कुल, अपने आप को बचा करके चलना है। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण के बावजूद जो है, आप लोग बात कर रहे हैं, आप भी बताइए, आपको कम भीड़ लग रही है, वजह तो सबको स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण है, लेकिन जो माहौल है उसके बावजूद कुछ लोग आ रहे हैं जैसे लोग, वो भी काफ़ी मतलब बचाव के साथ आपके पास में आए हुए। आप ये बताइए कि मैसेज देना चाहेंगे जो भी अपने घर से निकलेंगे देखने के लिए, जो भी घर से अपने निकलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए, तो मेरा सुझाव रहेगा कि मास्क और सैनिटाइजर जरूर रखें, जरूर लगाएँ। और जैसे कि हम लोग भी निकले हैं, इसलिए निकले हैं क्योंकि हम लोग खुद बाहर पढ़ते थे पहले, और इस साल मतलब 4-5 साल बाद फिर हम लोग का जो छुट्टी हुई उसके लिए हम लोग यहाँ आकर के रांची का वापस लुत्फ उठा रहे हैं। पूजा पंडाल है रांची का रेलवे स्टेशन, आपको याद होगा पहले की बहुत भव्य बना करता था, बहुत भव्य बना करता था, महाभारत का सेट था, एक बार नर्क लोग बना था यहाँ, और इस बार बहुत ही शांत माहौल है, ना कोई गाना है और ना कुछ, माँ का भक्तिमय होना चाहिए था, अभी ज़्यादा श्रृंगार अच्छा नहीं दिख रहा है ज़्यादा। अरे कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई बिहार में तो चुनाव है, कई जगहों पर उपचुनाव है, झारखंड में झारखंड 2 सीटों पर, तो वहाँ पे तो रैलियों और बाकी नेताओं के भाषण के लिए जो है लाउडस्पीकर का अरेंजमेंट है, उसका परमिशन है, कई लोग ये चाह रहे थे कि कम से कम थोड़ा सा ही सही जो है लाउडस्पीकर वगैरह ये सब रहे। आपको क्या लगता है एक श्रद्धालु के तौर पर कि क्या ऐसा होना चाहिए था? हाँ, ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि ये तो सिर्फ नवरात्र हम लोग के सिर्फ 9 दिन का ही पावन अवसर है, जो कि हम लोग माता के दर्शन करते हैं और माता के पूजन में बिताते हैं पूरा 9 दिन, तो कम से कम सरकार को 9 दिन लाउड स्पीकर या फिर जो पहले से हमेशा चला आता था जिस तरह का सब हम लोग का कल्चर था उसको मेंटेन रखना चाहिए था। भले ये जो दो अपने जहाँ उपचुनाव हो रहा है, दोनों विधायक को शायद समन भी भेजा गया है इसके कारण कि वो लोग मिस क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस हम लोग जो स्ट्रीट फूड है, एक्चुअली जो रांची का जो स्ट्रीट फूड है जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता था, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उन लोगों के इस पर काफ़ी नुकसान हुआ है देखा जाए तो एक तरह से। वो लोग जब माँ का जो पूजा होता है उसमें आम तौर पे ना केवल श्रद्धालु बल्कि वैसे लोग भी जो छोटे छोटे स्तर पे अपना दुकान लगाते थे, अलग अलग तरीके का मेला लगता था, उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वो लोग भी काफ़ी उम्मीद लगाए रहते थे, हालांकि अवसर उस तरीके का नहीं है। इस तरीके से कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अब तक कुछ वैक्सीन नहीं निकला है। मैम आप ये बताइए कि इस बार क्या मिस कर रही हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए तो इस बार माँ का पूजा में क्या मिस कर रही हैं, क्या अलग लग रहा है? पहले तो बहुत भीड़ दिखती थी आपको? पहले तो बहुत भीड़ रहता था, अब ये कोरोना से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इधर जैसा रौनक होना चाहिए माँ का हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए। आप देख रहे होंगे मुश्किल से 10% भी नहीं आए हैं लोग, जबकि आज सप्तमी है, सप्तमी के दिन कम से कम नहीं तो 50% लोग आ जाते हैं। आज के दिन तो मतलब पैर रखने का जगह नहीं होता, खास करके ये मंदिर जगह नहीं होता है, लेकिन ये कोरोना के चलते हैं एक तरह से ठीक ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो शायद कोरोना तो लोग जीत सकते हैं। नहीं बिल्कुल, डिस्टेंस तो रखना ही है और जो गाइडलाइन है उसका ही पालन करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धीरे धीरे लोग जो है, क्योंकि शाम का समय अब काफ़ी हो चला है, लोग कुछ जो है धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं पूरे पूजा पर देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी कम संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं, हालांकि यह सही संकेत भी है ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण का अभी संपूर्ण इलाज नहीं निकला है, तब तक अपने घरों में ही रह करके माँ का पूजा करना भी सही फैसला है। शुक्रिया। www.thefollowup.in